अरे जिसने एक बार चुल्लू बनाकर पूरे समुद्र का पान कर लिया हो, जो पानी इतना पीता हो वो भोजन कितना करेगा। मैया पार्वती कहती है, स्वामी यदि ब्राह्मण हमारे घर से भूखे जाएंगे तो ये ठीक बात नहीं, अब आप ही कोई उपाय बताएं। उसी समय भगवान भोलेनाथ भगवान विष्णु को याद करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत एक ब्राह्मण का वेश बनाकर आ जाते हैं। मैया पार्वती से कहते हैं, मैया मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से एक थाली और लगाओ। मैया मन में कहती है कि एक को तो जमा नहीं पा रहा है, दूसरे और आ गए। भगवान नारायण कहते हैं, मैया मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। तो उसी समय एक बड़ी सुंदर सी और थाली लगाकर ब्राह्मण देव के बगल में भगवान विष्णु बैठ जाते हैं और थोड़ा सा भोजन करके तुरंत जो है हाथ धो लेते हैं। और जैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु हाथ धोते हैं, अगस्त ऋषि तिरछी निगाहों से देखते हैं, समझ जाते हैं कि ये छलिया विष्णु है और भगवान से कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि पंगत का ये नियम होता है कि सब लोग एक साथ बैठते हैं और एक साथ ही उठते हैं। जो साधु संगतों की जो पंगत होती है उसका ये नियम होता है। अब आजकल तो सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, हम लोग शादी विवाह में जाते हैं ऐसे टूटते हैं गिद्धों की तरह। अच्छा, और बड़े बड़े करोड़पति सबसे ज्यादा भीड़ रोटी वालों के पास होती है, लाइन लगा के खड़े, भैया एक देना, भैया एक देना, भैया एक देना, और इतना भर भर के ले लेते हैं। जितने लोग भोजन नहीं करते उससे ज्यादा व्यर्थ जाता है। एक अन्न के दाने की कीमत उससे पूछो जिसने दो दिन से भोजन नहीं किया। अन्न ब्रह्म है, कोशिश करिए कि उतना ही थाली में लें जितना हम पा सकें, ये व्यर्थ ना जाए। यहां पर भगवान विष्णु हाथ धो लेते हैं। अगस्त ऋषि मैया पार्वती से कहते हैं, मैया भोजन तो ठीक ठाक हो गया, आधा पेट भर चुका है, अब एक काम करो थोड़ा पानी पिला दो। मैया मन में विचार करती है कि ये भोजन इतना करते हैं तो पानी क्या मालूम कितना पिएंगे, गंगा आदि समस्त नदियां खाली हो जाएंगी। तो मैया बड़ी विनम्रता से कहती हैं, हे ब्राह्मण देव, हमने आपको भोजन के लिए निमंत्रण दिया था, पानी के लिए नहीं दिया था। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे ब्राह्मण, जब द्वापर में मेरा कृष्ण अवतार होगा, मैं गिरिराज को धारण करूंगा, उस समय इंद्र कोप करके जल वृष्टि करवाएगा और आप एक सूक्ष्म रूप बनाकर गिरिराज पर्वत पर एक तरफ बैठ जाना, जितना पानी बरसेगा वो सारा का सारा पानी आप पी लेना। और इसी कारण से ब्रजमंडल में धूल का एक कण भी गीला नहीं होता।